ग्राम प्रधान संगठन का जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। जिला मुरादाबाद का प्रधान संगठन जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुआ और अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि शासनादेश ग्राम प्रधानों की जांच के बाद समान तथ्य पर किए जाने के पश्चात पुनः जांच नहीं कराई जाए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्मित शौचालयों की ODF वेरिफिकेशन के समय मंडल एवं जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा की गई जांच को ही अंतिम जांच माना जाए। ग्राम प्रधानों पर शौचालयों की चल रही जांच को समाप्त किया जाए। ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायतकर्ताओं की शिकायत झूठी होने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए, जिससे शिकायतकर्ता की बार बार झूठी शिकायत पर ग्राम प्रधानों को मानसिक शोषण न हो सके। मेरा नाम जगत सिंह सैनी, पत्नी मेरी ग्राम प्रधान है देवापुर से। हमने 3 दिन पहले DM साहब से समय लिया मिलने के लिए। DM साहब ने आज 9:30 बजे का समय दिया है। आज हम बहुत सारी समस्याएं हैं पूरे जिले में बहुत सारी समस्याएं हैं जो प्रधानों के साथ प्रधान उनसे जूझ रहे हैं। आज उन्हीं सारे बिंदुओं पे प्रधान संगठन हमारा जिला मुरादाबाद का माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी को जिला अधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन देंगे, जिसमें कि जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताई शौचालय की दिक्कत है। शौचालय हम लोगों ने 2 साल 4 साल 5 साल पहले या हमसे पूर्व प्रधानों ने 5-7 साल पहले शौचालय बनाए, क्या आज वो शौचालय सही स्थिति में होंगे? भाई शौचालय अगर सही स्थिति में नहीं मिलता है तो हमारे प्रधान साथियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, जो कि नामुमकिन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधान ने एक बार प्रधान की सिर्फ देखरेख है, प्रधान तो सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहा है। एक इंदिरा आवास आता है, इंदिरा आवास का पैसा सीधा सीधा लाभार्थी के खाते में जाता है, लाभार्थी उसको बनाता है, प्रधान सिर्फ देखरेख कर सकता है। लाभार्थी अपनी मनमर्जी करता है गांव में, जिसको अधिकारियों द्वारा ही चयनित किया गया है। और अगर कहीं वो कमी होती है, लाभार्थी पूरा आवास नहीं बना पाता है, तो शिकायत प्रधान की होती है, कार्रवाई प्रधान के खिलाफ होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं मैं ये नहीं कहूंगा प्रधान साथी सब सही हैं, कहीं ना कहीं 1-2% किसी प्रधान ने गलती की है। तो हम भी चाहते हैं, शासन भी चाहता है, अगर गलत कोई कर रहा है, पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन लगभग 95% प्रधान सही काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ उन्हें नाजायज टारगेट न किया जाए, नाजायज टॉर्चर नहीं किया जाए, जिससे कि हमारा मानसिक और शारीरिक सारा ही उत्पीड़न हो रहा है ऐसे शिकायतों पे। और जो लोग शिकायतें करते हैं, शिकायत निराधार पाई जाती है, क्या मांग करते हैं? अगर ऐसी फर्जी शिकायत पाई जाती है, शिकायतकर्ता के खिलाफ FIR हो। ऐसी हमारी मांग है DM साहब से और माननीय मुख्यमंत्री।